हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं महारानी मोनोकॉन्सेप्ट का विविध तो टेक्सटाइल प्रोग्राम के अंदर मैंने उस डिज़ाइन का डीएस ओपन किया है जिसका मुझे विविंग देना है। फ्रेंड्स, यहाँ पर ये जो 4 नंबर का है वो सलवेज है और उसके बाद में ये 5 नंबर का बॉर्डर अलग और ये 2 नंबर का कलर अलग। तो यानी कि मुझे जो 4 का बॉर्डर देना था उनमें दोनों का बॉर्डर कलर मैंने चेंज कर दिया है और उसके बाद में ये 0 नंबर, फिर 1 नंबर और ये 3 नंबर, वो मेरा फर्स्ट वायरफ्रेम होगा और यहाँ पर मुझे मोनो का वीविंग देना है। उसके बाद में यहाँ पर ये 10 नंबर और उसके बाद में ये 11 नंबर और फिर 12 नंबर और ये 13 नंबर, वो सेकेंड फिडर। उसके बाद में यहाँ से ये 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर और ये 9 नंबर तीसरा फिटर। तो हम आते हैं विविंग के लिए, मुझे प्रोडक्ट क्रिएटर नाम का ये सॉफ्टवेयर है उसे ओपन करना होगा और ओपन हो जाने के बाद यहाँ से मुझे न्यू फाइल लेना है और यहाँ से मुझे डीएस फाइल सेलेक्ट करके फिर लूम में से यहाँ से मुझे लूम फाइल लेना है। उसके बाद में अप्लाई, फिर यस। यहाँ पर ग्रीन या ऑरेंज बटन आता है तो आपका डीएस का और लूम फाइल का दोनों प्रोसेस कंप्लीट है। उसके बाद में वेव्स इवोल्यूशन, यहाँ पर जितने भी स्केल है उन पर क्लिक करके आपको डिज़ाइन में कन्वर्ट करना है। उसके बाद में ऑन ऑफ और यहाँ पर फर्स्ट फीडर आपको नो रखना है और दूसरा और तीसरे फीडर के अंदर आपको यस करके क्लिक करना है, फिर अप्लाई ओके देना है। उसके बाद में मुझे यहाँ से आपका ये कलर प्लेट है और कलर प्लेट हमें ओपन करके यहाँ पर लेना है और ये आपका पार्क का कलर है और यहाँ पर मुझे उसको ब्लैक कलर देना है तो मैंने यहाँ से ब्लैक कलर सेलेक्ट किया, ओके। और उसके बाद में अप्लाई कैंसिल करना है। फिर यहाँ पर वेफ्ट वाला, तो यहाँ पर मुझे वेफ्ट का कलर भी चेंज करना है तो यहाँ पर मैंने फर्स्ट ग्रीन कलर लिया है और यहाँ से आप उसको थोड़ा लाइट डार्क भी कर सकते हो, तो यहाँ पर मैंने थोड़ा डार्क दे दिया और फिर ओके, फिर अप्लाई कैंसिल। उसके बाद में यहाँ से आपका ये सेकंड फिडर है वहाँ से भी मैंने कलर चेंज कर दिया और यहाँ पर ओके दिया, फिर अप्लाई कैंसिल। उसके बाद में यहाँ से आपका तीसरा फिडर है और उसको भी मैंने यहाँ से कलर चेंज दे दिया कि सपोज, और फिर यहाँ पर अप्लाई कैंसिल। तो यहाँ पर ये आपका कलर प्लेट सेट हो चुका है। उसके बाद में मैंने यहाँ पर सेट किया, फिर डिज़ाइन को देखने के लिए यहाँ से डिज़ाइन व्यू, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले ये 4 नंबर का सर्वेज है तो यहाँ से हम जाएंगे 4 नंबर के अंदर और यहाँ पर मैंने फर्स्ट वेब में रखा था तो यहाँ पर मैंने फर्स्ट नंबर के अंदर ही सर्वेज का व्यू दिया और यहाँ पर मुझे देना है वर्क का व्यू तो वो मैंने यहाँ से एम करके डाल दिया और उसके बाद में यहाँ पर रिफ्रेश और यहाँ से वर्क बेस्ट कलर। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपका जो ये सेल्वेज का व्यू था वो आ चुका है और उसके बाद में यहाँ पर ये वाला कलर 5 नंबर, तो 5 नंबर के अंदर मुझे बाकी ये जो सिलेक्टर है उसका विविंग नहीं देना है तो यहाँ पर फर्स्ट के अंदर मुझे देना होगा T4 वेप्ट और फिर दूसरे और तीसरे के अंदर वर्क का व्यू देना है तो यहाँ पर मैंने दे दिया एम और फिर यहाँ से रिफ्रेश कर दिया तो यहाँ पर आपका दूसरा और तीसरा शटल है वो नहीं बदलेगा और फिर यहाँ पर आपका वो दूसरी कलर की बॉर्डर थी तो ये 2 नंबर है तो 2 नंबर के अंदर मुझे विविंग देना होगा तो यहाँ पर 2 नंबर के अंदर भी मुझे T4 वेफ्ट और यहाँ पर तीसरा और दूसरा है वो दोनों फीडर को मुझे विविंग देना है तो यहाँ पर मैंने स्टार्ट पोजीशन लिया और यहाँ पर नंबर चेंज किया 4 और फिर ऊपर की स्टार्ट पोजीशन मुझे 3 नंबर का रखना है, फिर यहाँ पर रिफ्रेश, तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं। उसके बाद में ग्राउंड का कलर 0, जहाँ पर मुझे मोनो का विविंग देना था तो यहाँ पर मैंने दे दिया T2 और यहाँ पर डन ट्रैक कर दिया। उसके बाद में यहाँ पर मुझे वर्क का व्यू देना है एम, तीसरे फिडर के लिए भी एम, फिर रिफ्रेश।
यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपका जो ये मोनो का विविंग था वो आ चुका है। उसके बाद में एक नंबर, तो एक नंबर था इसका इनसाइड और वो भी फर्स्ट के अंदर। तो यहाँ पर मैंने दे दिया फर्स्ट के अंदर एल, और यहाँ पर दूसरे के अंदर मुझे देना है एम, पार्क का व्यू, और फिर तीसरे के अंदर भी पार्क का व्यू। फिर यहाँ पर मुझे देना है रिफ्रेश, तो यहाँ पर आपका जो ये इनसाइड था वो आ चुका। उसके बाद में मुझे नीचे जाना है और फिर यहाँ से ये वाला कलर 3 नंबर, वो है मेरा फर्स्ट का। तो यहाँ पर सपोज मैंने दे दिया T4, और यहाँ पर वेफ्ट, और यहाँ पर विविंग करना था, तो यहाँ पर आपका दूसरा तीसरा फीडर है उसे मुझे वाइंडिंग देना है। तो यहाँ पर मैंने उसके लिए वर्क का व्यू दिया, और फिर इसका बैक पॉइंट भी मुझे चेक करना है। तो यहाँ पर उसका बैक पॉइंट है उसको रॉन्ग आया, तो उसको सही देना है। तो यहाँ पर मैं स्टार्ट पोजीशन में जाके 2 पिक्सल उसको सेट कर दूंगी और फिर रिफ्रेश। तो यहाँ पर आपका ये जो पिंक कलर है वो चेंज हो चुका, और उसके बाद में ये वाला पिक्सल है वहाँ पे भी मैं 2 पिक्सल साइड पर मैंने चेंज कर दिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपका ये बैक कलर था वो सेट हो चुका है। उसके बाद में मुझे यहाँ जाना है आपका दूसरा फीडर जो था 10 नंबर का और 11 नंबर का इनसाइड। तो सबसे पहले हम आते हैं 10 नंबर के अंदर, और ये आपका सेकंड का था। तो यहाँ पर मैंने दे दिया S8 और वेफ्ट, फिर बैक व्यूइंग के लिए मैंने S8 वार्प दिया पहले के अंदर और तीसरा फिटर। उसके बाद में यहाँ पर जाके एक बार रिफ्रेश, और फिर हम लेस के अंदर देखते हैं कि वो पोशन कहाँ है। तो यहाँ पर ही आपका पोशन आ गया, और एक बार हम रिपीट भी ऑन कर लेते हैं और फिर यहाँ पर हम देखते हैं। तो यहाँ पर इसका जो बैक पॉइंट था वो चेंज है, तो यहाँ पर ये ग्रीन वाला है, और या तो ये वाला कलर, तो यहाँ पर ये ग्रीन वाला कलर है, तो उसका ये फर्स्ट का जो है उसे हम चेंज करेंगे, स्टार्ट पोजीशन में जाके उसको साइड पर ले लेंगे। तो यहाँ पर मैंने वो पिक्सल सेटिंग दिया, रिफ्रेश किया, तो ये ग्रीन वाला आ गया, और उसके बाद में येलो वाला यानी कि आपका ये थर्ड कलर। तो यहाँ से मैंने वो स्टार्ट पोजीशन चेंज किया, और ऊपर की तरफ मैंने एक पॉइंट चेंज करके रिफ्रेश दिया। तो यहाँ पर ये आपका बैक कलर था वो सेट हो चुका है। उसके बाद में मुझे आना है इसका इनसाइड, तो इनसाइड में आपको यहाँ पर एल देना है, और इस जगह पर आपका फर्स्ट फीडर भी नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने वार्प का व्यू एम दिया, और तीसरे फीडर के लिए भी वार्प का व्यू एम, फिर यहाँ पर रिफ्रेश कर दिया एक बार। तो यहाँ पर आपका जो ये सेकंड फीडर का जो भी लास्ट पॉइंट था वो आ चुका है। उसके बाद में मुझे देना था यहाँ पर, अभी हमें इसका रिपीट बंद कर देना है, फिर हमें ट्विल वाला कलर, तो यानी कि T4 और सेकंड का है, तो सेकंड के अंदर वेफ्ट, और थर्ड के अंदर और फर्स्ट के अंदर वार्प का व्यू T4 वार्प, और फिर एक बार रिफ्रेश। फिर हमें इसका बैक पॉइंट भी चेक कर लेना है कि यहाँ पर आपका जो ये बैक आ रहा है येलो कलर का, यानी कि थर्ड वाला, उसे चेंज करना है स्टार्ट पोजीशन, और एक पिक मैंने साइड पर किया, फिर रिफ्रेश किया, तो यहाँ पर ये आ चुका है। वैसे ही आपका यहाँ पर हम देखते हैं कि ये 12 नंबर है, तो यहाँ पर लेफ्ट साइड हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर जाके मुझे ये इसे बैक चेंज करना है, यहाँ पर पोजीशन चेंज कर देते हैं हम, एंगल चेंज किया, रिफ्रेश किया, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये आ चुका है। उसके बाद में 13 नंबर, तो 13 नंबर भी मुझे ट्विल देना था, तो यहाँ पे भी मैंने T4 वेफ्ट सेकंड के लिए, और उसके बाद में थर्ड के अंदर T4 वार्प, और फर्स्ट के अंदर भी T4 वार्प,
और उसके बाद में हम रिफ्रेश करते हैं और उसका भी बैक पॉइंट हम चेक कर लेते हैं यहाँ से। तो इसका भी यहाँ पर ये ऑरेंज कलर आ रहा है, वो यानी कि थर्ड फीडर, और उसके अंदर भी हम स्टार्ट पोजीशन एक चेंज करेंगे और फिर एक बार रिफ्रेश करके इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर इसका जो पॉइंट था वो भी हमारा चेंज हो चुका है। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा बचता है 3 नंबर, तीसरे फीडर का जो कलर था वो। तो यहाँ पर हम ऊपर की तरफ जाते हैं, यहाँ पर 6 नंबर यानी कि तीसरे का इनसाइड था, तो मैंने यहाँ पर एल दे दिया। उसके बाद में यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होगा सेकंड के लिए वार्प का व्यू यानी कि एम, और फिर फर्स्ट के लिए भी एम। उसके बाद यहाँ पर रिफ्रेश करना है एक बार, और ये आपका थर्ड फीडर का जो इनसाइड था वो आ चुका है। और उसके बाद में यहाँ पर आपको थर्ड फीडर के अंदर T4 यानी कि 12 देनी थी, तो T4 वेफ्ट दिया। और उसके बाद में सेकंड के लिए भी T4 वार, और फर्स्ट के लिए भी T4 वार। इस तरह से देने के बाद एक बार रिफ्रेश करना है और इसका भी जो पॉइंट है वो आपको चेक कर लेना है। तो यहाँ पर आपका ये थर्ड फीडर आ गया ये वाला, और इसका बैक पॉइंट भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर हम आते हैं यहाँ पर 1 नंबर के अंदर, और वो भी मेरा थर्ड फीडर था, तो यहाँ पर हम थर्ड के अंदर वेफ्ट का व्यू सेट करेंगे और सेकंड के लिए वार्प का व्यू और फर्स्ट फीडर के लिए भी वार्प का व्यू। फिर यहाँ से एक बार हम रिफ्रेश करेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम एक बार ये रिपीट ऑन करके एक बार चेक कर लेते हैं, और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर ऑटोमेटिक के ऑपोजिट आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर दोनों के अंदर सेम एंगल आ रहे हैं, तो ई वाला है वो मुझे चेंज करना है। तो यानी कि आपका ये 8 नंबर का कलर। और यहाँ पर हम एक्सेल के अंदर देख लेते हैं कि ये 7 नंबर का कलर है, वहाँ पर मुझे राइट एंगल चाहिए, और 8 नंबर का है वहाँ पर मुझे लेफ्ट एंगल चाहिए। तो यहाँ पर 8 नंबर है, उसका एंगल चेंज करना है। सिलेक्ट किया, एंगल चेंज किया, और बैक कलर है उसका भी एंगल मुझे चेंज करना होगा, और एक बार यहाँ पर जाके रिफ्रेश करना है। तो आप देख सकते हो कि इसका एंगल इस तरफ से आया और इसका एंगल इस तरफ से। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपने देखा होगा कि ये जो आ रहा है हम थोड़ा इसको सेट करते हैं, और फिर ये वाला जो ट्विल है वो आपका दोनों एक ही पोजीशन से, एक ही लाइन से स्टार्ट हो रहा है, तो दोनों में से किसी भी एक जो फीडर है ट्विल उसको आप एक सेट करना होगा। तो यहाँ पर हम आते हैं 8 नंबर वाला जो ट्विल है उसको हम 1 नंबर साइड पर कर देते हैं, और फिर यहाँ से एक बार रिफ्रेश देते हैं। तो ये सेट तो हो चुका है, लेकिन इसका जो बैक कलर था वो मुझे चेंज करना होगा। तो यहाँ से उसका बैक कलर और उसका भी स्टार्ट पोजीशन हम चेंज करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 नंबर दिया, और ये फर्स्ट वाला है उसका भी स्टार्ट पोजीशन 1 नंबर हम चेंज करेंगे, और फिर यहाँ पर जाके एक बार रिफ्रेश करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपका ट्विल और उसका बैक पॉइंट सही तरीके से सेट हो चुका है। फिर हम आते हैं यहाँ पर, ये थर्ड के लिए मुझे स्टार्टिंग देनी थी, तो मैंने यहाँ से दे दिया S5 वेफ्ट। एक बार फिर सिलेक्ट करके यहाँ पर ट्रैक करते हैं, और बैक वेविंग के लिए सेकंड में S5 वार्प और फर्स्ट के लिए भी S5 वार्प दिया। उसके बाद में यहाँ पर एक बार रिफ्रेश देंगे और स्क्रीन को थोड़ा छोटा करके एक बार देख लेते हैं कि हमारा जो व्यू था स्टार्टिंग का वो यहाँ पर आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। फ्रेंड्स, यहाँ पर ये आपका जो व्यू था, अगेन हम यहाँ पर देख लेते हैं कि यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन 5 का व्यू दिया है तो यहाँ पर रिपीट के हिसाब से प्रॉब्लम आ सकता है। तो उसके लिए हमें यहाँ पर डीएस का हाइट 80 है उसे
डिवाइड करना होगा 5 से, तो यहाँ पर 80 डिवाइड बाय 5, तो यहाँ पर आपका राउंड फिगर 16 आता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर यहाँ पर आंसर पॉइंट में आता तो आपका जो ये रिपीट कलर है वो रिपीट कलर यहाँ पर मैच नहीं होता, लेकिन अब भी हो रहा है क्योंकि 5 से वो डिवाइडेबल हो चुका है। उसके बाद में यहाँ पर हमें ये जो रिपीट लिया था वो बंद करना है, और फिर यहाँ पर आपका ये व्यूइंग कंप्लीट हो गया। उसके बाद में व्यू में जाना है और यहाँ से एक बार कंप्लीट कार्ड भी देख लेना है। फिर फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते कि यहाँ पर आपका जो ये बॉर्डर सिलेक्टर सेल्वेज वो सारा कंप्लीट हो चुका है। फिर आपको यहाँ से राइट कंप्लीट कार्ड में जाके यहाँ से आपका फोल्डर ओपन करना है, और फिर वहाँ से आपको फोल्डर में जाके आपका जो भी फाइल है वो फाइल आपको सेव करना है। तो यहाँ पर ये आपका कार्ड फाइल है, तो यहाँ पर कार्ड और BMP फॉर्मेट और फिर सेव करना है, फिर ओके। फिर आपको ये PDC फाइल है उसे भी सेव करना है, तो फाइल में जाके सेव कीजिए यहाँ से आपका फोल्डर, और फिर यहाँ पर आप मोनो या तो अपने हिसाब से कोई भी पार्टी का नाम जो भी लिखना है वो लिख सकते हो, और फिर यहाँ पर मोनो वन है तो एक नंबर मैंने दे दिया, PDC फॉर्मेट रहेगा और फिर सेव। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका मोनो का व्यूइंग कंप्लीट होता है। थैंक यू।